नमस्कार, फिर से योगेश चंद्र शुक्ला नाम है हमारा, बहुत स्वागत करते हैं आज क्लास में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक फंगस, कंप्लीट फंगस, कवक के बारे में एक बहुत ऑथेंटिक बात करेंगे हम कि कवक क्या होते हैं, कैसे सांस लेते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे जनन करते हैं। और एकदम बेस्ट मेथड होगा, जो बेस्ट मतलब होता है सबसे आसान तरीके से बच्चों को आज हम कवक याद कराएंगे। जो बच्चे 11th में हैं, वो उसकी अभी कीमत नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन जो बच्चे नीट में हैं, वो इसकी कीमत समझ पा रहे होंगे कि फंगस मतलब सबसे बड़ा किंगडम है। मोनेरा उतना बड़ा नहीं है, प्रोटिस्टा उतना बड़ा नहीं है, लेकिन फंगस बड़ा किंगडम है। और फंगस के बारे में बहुत डिटेल में बातें पूछी जाती हैं। So, इतनी सारी डिटेल में बातें पढ़ने के लिए आज हमें तैयार करना है शॉर्टेस्ट मेथड, ताकि बच्चों को ये कठिन ना लगे, ये परेशानी पूर्वक ना लगे। कवक दिखता इस डायग्राम जितना सुंदर है, परंतु ये टोड स्टूल है। आज आपको बताएंगे कि ये सुंदर सा दिखने वाला जो फल है, हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ये जहरीला होता है मेरे दोस्त। सो, कवक के बारे में सारी जानकारी, ब्रेड के ऊपर लगने वाला हरा हरा कलर से लेकर बेल्ट और चमड़े के जूतों पे लगने वाला वो हरा हरा फंगस, रोटियों में लगने वाला फंगस हो या गेहूं में होने वाला पक्सिनिया रोग, शराब आखिर किससे बनाई जाती है, ब्रेड आखिर किससे बनाई जाती है, और संतरे के ऊपर ने कभी कभी लाल लाल धब्बा भी देखा होगा आपने, वो भी कैसे आता है, आज हम इन सभी विषयों के बारे में बात करने वाले हैं। सो शेयर करिए अपने दोस्तों से और बताइए सभी लोगों को एक अमेजिंग क्लास के बारे में, जिसका नाम है फंगस की जर्नी। आज हम पढ़ेंगे फंगस, फंगस का विवरण पढ़ेंगे कि कवक होता क्या है, अपने सभी दोस्तों को बताना। सभी बच्चों से बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा कुछ करना है, बहुत दिन से कुछ क्लास ले नहीं पा रहा था मैं, कुछ ना कुछ वजह से इधर उधर क्लास हो जा रही थी हमारी। पर अभी हम फिर से उसी पैटर्न में स्टार्ट कर रहे हैं कि पहले एक दिन 11th का, एक दिन 12th का, ये जो पैटर्न है हमारा चलता ही रहे और बच्चों को एक बढ़िया क्लास मिलती रहे। तो देखो, जब भी हमें कवक को पढ़ना है तो कुछ बातें कवक के बारे में हमको कुछ बातें जो है वो पता होनी चाहिए, देन फिर हम उसके डिटेल के तरफ में जाएंगे। तो सबसे पहली बात बच्चों को ये याद रखो यार कि फंगस है क्या चीज, और फंगस के बारे में आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। आपको पता है फंगस के बारे में हम सबसे पहला चीज ये पढ़ेंगे कि इसका हैबिटेट कैसा, हैबिटेट यानी आवास कैसा है मेरे बच्चे, आवास कैसा है इसका, पहला चीज। जब आप उसका आवास जान लेंगे, देखो जब कोई पहले लोग मिलते थे ना, लोगों से ही पूछते थे तुम रहते कहां हो, तेरा घर बार किधर है ना, तेरे मां बाप कौन है, तू खाता क्या है, ये सब पूछते थे ना पहले। सो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है कि पहले हम उसका आवास पूछेंगे कि वो रहता कहां है, क्या क्या कहां कहां वो रह लेता है। फिर दूसरी बात आती है संरचना कैसी है। अब ये जो संरचना वाला कॉन्सेप्ट आता है, इससे हमें आधी जानकारी ऐसे ही मिल जाती है। फिर तीसरा पार्ट आ जाता है कि जब हमें संरचना क्लियर हो जाए तो समझना कि हमारे पास में पोषण कैसे होता है, इसको समझो कि इनके पास पोषण कैसे होता है। और सबसे आखिरी में फिर पॉइंट आ जाता है जनन। जिन लोगों ने ये चार बातें पढ़ ली, हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा, हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब मैं तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छे से बता दूं कि पहले मैं इनका चार्ट आपको बनवा देता हूं, चार्ट के बेसिस में फिर हम आगे कहानी क्लियर करेंगे, फिर डिटेल करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात, हैबिटेट का कोई मसला ही नहीं है, पोषण और जनन, और फिर पांचवी बात आ जाती है प्रकार। ये सबसे बड़ा सवाल है बच्चों के लिए। पहले इन तीनों का मैं आपको फ्लो चार्ट बनवाऊंगा और देन फिर एक एक करके हम डिटेल करेंगे कि वो क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। बना दे, तैयार हैं आप सभी लोग? आप सभी तैयार हैं कि मैं आपको हैबिटेट बाद में पढ़ाऊंगा, संरचना बाद में पढ़ाऊंगा। कारण क्या है ना, बच्चों को पहले से ही थोड़ा बहुत पता रहेगा ना कि यार ऐसा होता है वैसा होता है, तो चीजें बढ़िया समझ में आ जाती हैं। तैयार हैं आप सभी लोग? स्टार्ट करते हैं फंगस द ग्रेट किंगडम। फंगस क्या होता है, कैसा होता है और क्या क्या चीजें होती हैं। वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आज मैं आपको सुपरफिशियल लेवल पे, अपर लेवल पे नहीं, नीट के लेवल का पढ़ाऊंगा कि बच्चों को पता चलना चाहिए फंगस होता क्या है। यहां पर हम तमाशा करने नहीं, हम डिटेल में पढ़ने आए हैं। सो हर एक चीज डिटेल पढ़ेंगे, जहां पे फ्लो चार्ट की जरूरत पड़ेगी फ्लो चार्ट भी बनाएंगे, जहां पर जैसी आवश्यकता वैसा पढ़ेंगे। पहली बात, इसकी विज्ञान की शाखा का नाम होता है माइकोलॉजी। कमेंट सेक्शन पे आंसर और कॉपी में ये शब्द होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आंसर कॉपी में ये शब्द होना चाहिए, व्हाट इज माइकोलॉजी, फंगस का अध्ययन, कवकों के अध्ययन का,
कवकों के अध्ययन के लिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसे माइकोलॉजी कहा जाता है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, हम इसे माइकोलॉजी ही पढ़ते हैं। इसके अलावा माइकोलॉजी के बेसिस में सबसे पहला पॉइंट आएगा कि ठीक है भाई, चलो हम बात कर रहे हैं कि माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन हो गया, हम इसमें पढ़ेंगे क्या। सबसे पहली बात आती है आवास कैसा होता है ये बताइए। सो आवास के बारे में ये कहा जाएगा, बेटा जी एनसीईआरटी लिखता है कि फंगस कभी भी फ्रिज में नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि फंगस हमेशा दो जगह पर रहता है, गर्म एवं नमी वाली जगहों पर। यह लाइन एनसीईआरटी की कई बार पूछी गई है, गर्म यानी नमी युक्त वाली युक्त जगह पर। ऐसी जगह जहां पर गर्म और नमी पाई जाएगी उन जगहों पर फंगस पाया जाएगा, मींस दे आर प्रेजेंट इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। जहां पर ह्यूमिडिटी प्रेजेंट रहेगी, जहां पर वार्म प्लेसेस रहेगा, उन दो जगहों पर पाया जाएगा हमारे आवास में ये पाया जाएगा, जहां जहां भी इसे कहा जाएगा ये वैसी जगहों पर ही हमेशा पाया जाता है। इन सब के बाद एक बात सबसे ज्यादा डिटेल में पूछी जाती है, वो है इनका पोषण। थोड़ा सा डिटेल करते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन तीसरा पॉइंट आ गया इनका पोषण। पोषण बेटा जी हमेशा होते हैं हेटरोट्रॉफस। लिखते चलो कॉपी में, सब फ्लो चार्ट ही है, पॉइंट बना बनाकर पढ़ेंगे मजा आ जाएगा। हेटरोट्रॉफस यानी होता है बेटा जी विषम पोषी। और अब आप मुझे बता दीजिए कि विषम पोषी का मतलब क्या होता है। जो जीव दूसरों पर निर्भर करता है, जो अपने आप पर निर्भर नहीं दूसरों पर निर्भर करता अपने पोषण के लिए, वो विषम पोषी होता है। और विषम पोषी का पहला प्रकार आता है सेप्रोफाइटिक। थोड़ा सा इंग्लिश थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी मिलाकर पढ़ेंगे, मृतोपजीवी। पहला नाम हमने क्या कहा है, पहला नाम हमने कहा है कि पहला पोषण का प्रकार मृतोपजीवी है, दूसरा पोषण का प्रकार इनके पास में परजीवी है। परजीवी मींस ये हो गया पैरासाइट, पैरासाइट हो गया। और तीसरे नंबर का पार्ट आ जाता है कि यह सहजीवी भी है। तो फंगस इस दुनिया में तीन प्रकार से रहता है मेरे बच्चे, तीन प्रकार से फंगस इस दुनिया में तीन प्रकार से रहता है। सबसे पहला पार्ट होता है हमारे पास सेप्रोफाइटिक, हाँ विषम पोषी वही है, परपोषी जिसे अपन हेटरोट्रॉफस कहें वही है विषम पोषी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वही है परपोषी या विषम पोषी की चीजें। सो सेप्रोफाइटिक होता है, हाँ परपोषी लिख, विषम पोषी क्या होता है, हाँ वही है विषम मतलब दूसरे के ऊपर अपने ऊपर नहीं है, परपोषी लिख ले लो, चलो हेटरोट्रॉफस। पहला पार्ट आ गया मृत सेप्रोफाइटिक यानी मृतोपजीवी, सड़ी गली चीजों से अपना भोजन, फिर पैरासाइट के तौर पर किसी दूसरे पर, और तीसरा पार्ट आ जाता है सहजीवी। इस पोषण के आधार पर क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे, सुनना ध्यान से। जो मृतोपजीवी होता है यह अपना पाचन बाहर करता है। यह क्या करता है पता है, अपने शरीर से ना पाचक रस, क्या बोला मैंने, पाचक रस मुक्त करेगा। पाचक रस मुक्त करके यह बाह्य पाचन करता है, और बाह्य पाचन करने के बाद जब बाहर ही डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद सरल पदार्थों का अवशोषण कर लेगा। सरल पदार्थों का क्या कर लेगा, अवशोषण। क्या बोलते हो, ये बात समझ में आई, हाँ या ना, कि जो भी मृतोपजीवी पदार्थ होंगे, जो भी मृतोपजीवी फंगस होंगे, वो सड़ी गली चीजों से अपना पोषण बनाएंगे, और सड़ी गली चीजों से मृत चीजों से और मृत चीजों से भोजन कैसे बनाएगा, ये अपना लार पाचक रस बाहर निकालेंगे। और बाहर निकालने के बाद पाचक रस जब बाहर आएगा तो बाह्य पाचन होगा तो सरल पदार्थ टूट जाएंगे और अवशोषण करवाएगा, तो इनके पास अवशोषण योग्य संरचनाएं होनी चाहिए, इनके पास अवशोषण योग्य संरचनाएं होनी चाहिए। यह बाद में और डिटेल करूंगा, अभी शॉर्टकट में बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, यह हो गई पोषण की बात, डन क्लियर। दूसरा होता है परजीवी। परजीवी का मतलब यह होता है कि किसी के साथ में रहना, किसी के ऊपर में रह लेना, मतलब उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर होना। तो यह पूरी तरह से अंदर रहेगा ऐसा नहीं है, बाहर से रहेगा ऐसा नहीं। तो परजीवी जो होता है यह हमेशा क्या होगा, इसके पास में पाया जाएगा चूषकांग, और जनरली पैरासाइट ऑन प्लांट्स। ज्यादातर जो है ना ये
जो फंगस है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर उसको वो माहौल नहीं मिलता है, वो वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस नहीं मिलते हैं। तो ज्यादातर ये फंगस जो है ना ये प्लांट पर परजीवी होते हैं, हमारे तो बस हाथ हाथ में थोड़ा बहुत हो गए, तो नाक में थोड़ा बहुत, इसके अलावा कहीं फंगस डेवलप नहीं होता है, वो डेवलप नहीं होता है। सो ये डेवलप होता है ज्यादातर प्लांट में। तो याद रखना परजीवी है, अगर परजीवी है तो इनके पास में चूसकांग होने चाहिए, ठीक है, जिसे मतलब ये अवशोषण कर सके किसी से, मतलब परजीविता तौर पर ले सके। तीसरी बात आती है कि कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में यह सहजीवी तौर पर भी रह लेता है, लगता है कि माहौल सही नहीं है तो सहजीवी तौर पर भी रह लेगा। और इसके दो एग्जाम्पल है, पहला एक नाम है बेटा जी लाइकेन और दूसरा नाम है इसका माइकोरिजा। अब हमारे पास में दो एग्जाम्पल है, एक का नाम है लाइकेन और दूसरे का नाम होता है कवक मूल। माइकोरिजा को हिंदी में कहते हैं कवक मूल। लाइकेन किसका किसका सहजीवी संबंध है? लाइकेन में दो चीजें होती हैं बेटा जी, एक होता है हमारा कवक यानी फंगस और दूसरी चीज होती है हमारे पास में सैवाल। वहां पर सैवाल की मात्रा कम और कवक की मात्रा ज्यादा होती है, ये दोनों आपस में सहजीवी तौर पर रहते हैं मेरे बच्चे, यस सहजीवी तौर पर रहते हैं। माइकोराइजा वाले पार्ट में बोला जाता है उच्चतर पादपों की, उच्च पादप जो होते हैं ना, उच्च पादप मतलब जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, उच्च पादप की जड़े, ठीक है। इसमें से एग्जांपल आ जाता है, जैसे मान लो हो गया पाइनस हो गया हमारे पास में, कुछ अमाउंट में कभी कभार जो है वो जिम्नोस्पर्म के बड़े प्लांट हो गए, कुछ कभी कभार साइकस भी होता है बट ज्यादातर पाइनस ही होता है, और बड़े बड़े पौधे जिम्नोस्पर्म के सारे बड़े पौधे इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी एक बार पाइनस लिख देती है इसलिए हमको पाइनस लिखना पड़ता है, अदरवाइज पाइनस के अलावा भी बहुत सारे प्लांट हैं जो यहां पर सहजीवी तौर पर रहते हैं और किसके साथ में रहते हैं? कवक के साथ में रहते हैं। सो ये एक सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि जो फंगस होते हैं वो हेटरोट्रॉफस होते हैं, विषम पोषी या परपोषी होते हैं। इनके परपोषी होने के लिए क्या सहाय मतलब पॉइंट है? तो पहला पॉइंट जो हम कहते हैं वो मृतोपजीवी है, सड़ी गली चीजों से अपना भोजन कैसे बनाते होंगे लोग, आखिर सड़ी गली चीजों को ये खाते कैसे होंगे? फंगस खुद छोटा है, कुकुरमुत्ता बनता है, मशरूम कैसे बनता होगा सड़े पैरावट में, सड़े गले का जहां पर कूड़ा करकट पड़ा हुआ रहता है वहां पर यह रहता है, अपना केमिकल बाहर निकालेगा, बाहर ही पूरा हुआ भाई, हमारे पास इतनी बड़ी आहार नाल है, इसके पास थोड़े ना है। सो वो क्या करेगा, अपने केमिकल को बाहर ही निकालेगा और बाहर निकाल के डाइजेस्ट करने के बाद वो सरल सरल पदार्थों को तोड़ के वो फिर अवशोषित कर लेगा। सो यहां पर तीन बातें आती हैं, अवशोषण करने का गुण जो है पदार्थों का वो मृतोपजीवी में होगा, चूसकांग के गुण मतलब इनके पास में जो मतलब जिससे अपन ये सक करते हैं चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं सक करते हैं वो परजीवी में होगा, और सहजीविता संबंध बनाने का काम हमारे पास में सहजीवी सिंबायोंट रिलेशन होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये बात बहुत क्लियर समझ में आ गई होगी कि दुनिया के जो भी फंगस हैं वो अलग अलग तरीके से अपनी जीवन जर्नी बिताते हैं और अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से आगे बढ़ते रहते हैं। ऑल डन, कहानी खत्म। अब चूंकि हम फंगस को पढ़ रहे हैं, ये बहुत सुंदर सा पार्ट है, ये देखो ये डायग्राम हमने डाल रखा है, ये डायग्राम बहुत सुंदर सा डायग्राम, इस डायग्राम को देखकर आप फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट पे अब हमें पढ़ना है कि कौन कौन फंगस में, जब भी हम कोई चीज पढ़ने वाले होते हैं ना तो इनके बारे में कहा जाता है बेटा जी सर्वव्यापी होते हैं, दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर फंगस पाया नहीं, सर्वव्यापी, ये सर्वव्यापी होते हैं। अब सर्वव्यापी में कौन कौन देखा गया आपने? सर्वव्यापी में सबसे पहला एक एग्जाम्पल पढ़ना ईस्ट, इसके नाम को तो यार याद ही कर लो अभी के अभी, क्योंकि तुम नीट के बच्चे हो तो तुम्हें यह पूछा ही जाएगा, बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, इलेवंथ की तैयारी कोई समस्या नहीं, लेकिन नीट की तैयारी कर रहे हो तो ईस्ट यहां से दो चीज बनाता है, इसको हिंदी में ईस्ट ही कहते हैं, ईस्ट यहां से दो चीज बनाता है, पहला चीज बना देगा जिसे अपन कहते हैं ब्रेड और दूसरा चीज बना देगा अल्कोहल, मतलब उसी से बच्चों के और बड़ों के खाने के लिए ब्रेड यानी रोटी भी बनती है, वही रोटी जो ब्रेड रोटी कहते हैं, और यहां पर शराब भी इसी चीज से बनाई जाती है, ठीक है। सो यहां पर ये जो ब्रीविंग इंडस्ट्री हो गई, बेवरेजेस हो गए, वो ब्रेड बना दिया जाएगा और उसमें फर्मेंटेशन कर दिया जाएगा किंड वन, तो अल्कोहल बन जाएगा, ये ईस्ट हो गया।
इस ईस्ट का नाम होता है बेटा जी, याद रखो, सैक्रोमाइसिटीज। सैक्रोमाइसिटीज ये पार्ट आ जाता है। सो सैक्रोमाइसिटीज सेरेवेसी या सैक्रोमाइसिसी सेरेवेसी से अपन कहते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी ये एग्जाम्पल है सेरेवेसी। और आज के बाद याद रखना, कसम तुम्हें ब्रेड और कसम तुम्हें शराब की, कि ये है नाम, याद रख लेना कि सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी जो होता है वो एक ईस्ट है और वो ब्रेड और तुम्हें अल्कोहल दोनों बनाने के काम आता है, ये याद रखना। दूसरा पार्ट आता है रॉट ऑन ऑरेंज। रॉट ऑन ऑरेंज का मतलब आपने देखा होगा संतरा, संतरा का लाल धब्बा, ठीक है, लाल धब्बा जो होता है वो धब्बा जो बनेगा, धब्बा, वो धब्बा हमेशा, मैं भी आपको उसको डायग्राम दिखाता हूं, वो भी जो है ये यही है। इसके अलावा आपके पास में एक और आता है जिसे अपन कहते हैं ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड यानी ब्रेड के ऊपर लगने वाला कवक जो ब्रेड को हरा हरा कर देता है, जो ब्रेड को हरा हरा कर देगा, ब्रेड का मोल्ड कहलाएगा वो, ठीक है, वो पार्ट आ जाता है ब्रेड का कवक। इसके बाद एक जहरीला कवक भी आता है, ये बहुत पूछा जाता है कि आप बताओ इसमें से जहरीला कवक क्या है। और आपको पता है क्या पूछा जाएगा यहां पॉइंट से, मैच द फॉलोइंग, सही जोड़ी मिलाओ। आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा सही जोड़ी मिलाओ, तो मिलाओ जोड़ी, सही मिले सिर तुम्हारा हमारा, मिलाओ। सो यहां पर जो जहरीला कवक है उसका नाम रखा गया है टोड स्टूल। क्या नाम था इसका? टोड स्टूल। इसका भी डायग्राम दिखाया था ना मैं, एकदम वो लाल लाल मस्त दिखाई दे रहा था, टोड स्टूल कहते हैं। इसके बाद हमारे पास में पांचवें नंबर का पार्ट आता है मशरूम। देख रखा है तुमने, मशरूम को अपन कहते हैं अगेरिकस। ये मशरूम भी जो होता है ये भी एक प्रकार का फंगस ही है। इसके बाद यहां पर छठवें नंबर का पार्ट आता है, गेहूं में एक बीमारी होती है, मैं भी आपको दिखाता हूं, गेहूं का किट रोग, यह भी एक फंगस से फैलता है और उसका नाम है बेटा जी पक्सीनिया। क्या बोला मैंने इसे? पक्सीनिया। तो यार ये इतने नाम तुम्हें याद करने हैं, बाद में हम इसे ट्रिक विक से भी याद करेंगे, फिलहाल बस इतना ही याद करना है कि हाँ ये लोग होते हैं। सो क्या क्या होता है? ईस्ट होता है, ब्रेड एंड अल्कोहल बनाता है। दूसरी बात, रॉट ऑन ऑरेंज, संतरा का जो लाल रंग है वो भी मदद करेगा। उसके बाद ब्रेड मोल्ड जो होता है, ब्रेड कवक जो होता है वो भी एक प्रकार का कवक ही है। जहरीला कवक टोड स्टूल है, खाने वाला कवक जो है अगेरिकस है, और गेहूं का किट रोग पक्सीनिया नामक से फैलता है। कॉपी में लिख लिए क्या? अब तुम्हें ये डायग्राम दिखाता हूं, देखो ये सब लोग वही है, ठीक है, ये डायग्राम देखो। यहां पर ब्रेड मोल्ड, ब्रेड के ऊपर लगने वाला ये जो धब्बा है ना, ये भी वही है फंगस। ये जो ऑरेंज है ना, ये भी फंगस है। ये मशरूम है, ये भी फंगस है। ये टोड स्टूल जहरीला फंगस है। और ये है गेहूं का किट रोग, व्हाइट स्पॉट एंड मस्टर्ड लीफ। और उसके बाद सरसों के, मतलब जो पत्तियों पे पाए जाने वाला सफेद रोग जो होता है, सफेद किट रोग, वह भी जो होता है ये हमारा सब फंगस है। ये सारे के सारे फंगस है, याद हो गई ये बात। अब ये जब पार्ट क्लियर हो जाएगा कि ये सारे फंगस हैं, तो अब हम आते हैं इनकी संरचना पे। अब हम इनकी हैबिटेट नहीं, अब हम इनकी हैबिटेट तो मैंने आपको बता ही दिया, अब मैं आपको बता रहा हूं इनका इंट्रो, और इंट्रो पे आ रहा हूं मैं इनकी संरचना पे, ये कैसे होते हैं और कैसे कैसे पाए जाते हैं और क्या क्या इनके पास में होता है, संरचना, स्ट्रक्चर। अब इनकी संरचना के ऊपर अगर हम बात करें तो क्या क्या पाया जाता है, कैसा पाया जाता है, तो ये याद रखना ये बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं बेटा जी? बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, सारे के सारे इनके बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन इनका एक अपवाद है और वो अपवाद है बेटा जी ईस्ट। बहुत पूछा जाता है और ये होता है एक कोशिकीय। कॉपी में लिखे क्या? ये होता है एक कोशिकीय। मैं दावे से कह रहा हूं, जितना पढ़ा रहा हूं पढ़ते चलो, एनसीईआरटी की लाइन से लाइन कवर होगी, तुम्हें इसके बाहर मतलब पढ़ना पड़ेगा ही नहीं। आपको जितनी बात मैं बता रहा हूं इतनी बात पढ़ ली है, एनसीईआरटी डन, खत्म, इसके बाहर नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुकोशिकीय जो इसका अपवाद है वो ईस्ट है। ईस्ट कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। ज्यादातर जो है वो तंतुमयी होते हैं। तंतुमयी का मतलब होता है फिलामेंटस,
ज्यादातर जो है ना फिलामेंटस होते हैं, पर इसका भी अपवाद जो है वो यही है ईस्ट। ये फिलामेंटस नहीं होता, तंतुमय नहीं होते। इनकी संरचना कैसी दिखाई देती है पता है? ऐसा लंबा लंबा रॉड 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 ऐसा ऐसी पर यही इनके फिलामेंट है, यही तंतुमय संरचना है। और इस तंतुमय संरचनाओं को अगर हम डिटेल में देखें कि ये कैसा दिखाई देता है, सो थोड़ा सा और जूम करके जाते हैं तो पता चलता है कि इनके पास कोशिकाएं ऐसी होती हैं, ऐसा बना हुआ रहेगा, और इनके जो केंद्रक है ना ऐसे बीच बीच में ऐसे फैले हुए रहेंगे। ये कोशिका हो गई। दूसरी कोशिका इनकी कुछ ऐसी होती है कि ये ऐसा तंतु बनाएगा ऐसा, और इनके बीच में खंड खंड पाया जाएगा। ये जो खंड है इसको हम जो देखते हैं, ये जो बनाया ना, इसे हम कहते हैं बेटा जी हाइफे। हम इसे कहते हैं हाइफे, और हाइफे का मतलब होता है कवक तंतु। सो पूरा का पूरा जो फंगस है असल में उसकी कोशिका किससे बनी होती है? कवक तंतु से बनी हुई होती है। ये कवक तंतु है। ये क्या है? कवक तंतु, हाइफे। मेरे बच्चे ये पॉइंट याद रखना, ये सबसे जरूरी पार्ट में से एक है। अगर आप संरचना पढ़ने जा रहे हैं तो संरचना में सबसे पहले आप बहुकोशिकीय पढ़ेंगे, एक अपवाद आ जाएगा ईस्ट का। दूसरी बात आ जाती है तंतुमयी होते हैं, तो जब हमने उसके तंतु को आपने देखा भी होगा, जब भी ब्रेड वेड देखते हैं ना, ये सब ब्रेड वेड देखते हैं तो ऐसे दिखाई देता है, ऐसा लाइन 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 बना रहेगा ऐसा सा करके। इसको जूम करके देखे तो पता चला कि ये तंतु है। तंतु का नाम मेरे बच्चे क्या नाम है इसका? इसका नाम है कवक तंतु, हाइफे। अब अगर इस तंतु को देखें तो तंतु कभी कभी बीच में खंड खंड बने हुए रहते हैं, और कई बार ऐसा बिना खंड का है। तो इस कॉल्ड अपटीय, इसके पास पट नहीं पाए जाते, इस कॉल्ड असेप्टेट, इसे हम असेप्टेट कहते हैं। और ये जो खंड खंड ऐसा बना हुआ है इसे हम कहेंगे पटीय यानी सेप्टेट, और सेप्टेट का यानी होता है पटीय। दोनों दिख गई बातें? सो कवक तंतु जो है वो दो प्रकार का होता है, एक तो अपटीय और एक तो पटीय। पट पाए जाते हैं, एक में नहीं पाए जाते। अब यार ये देखो कि इसके पट ना पाए नहीं जाते हैं, तो सारे ये जो है ये केंद्रक है। अब सारे केंद्रक एक ही कोशिका में गिनेंगे, हो सकता है सारे के सारे एक में ही आ जाएं। तो इनको देखकर कहा जाता है कि ये बहु केंद्र की है। कि आज एक बात बताओ, जैसे क्या होता है, मान लो घर में पहले क्या रूम में बटा हुआ नहीं, तो जब घर रूम में बटा हुआ नहीं तो सारे भाई एक ही रूम में सो रहे हैं, कोई पट नहीं है और सब बहु केंद्रीय। ऐसा लगेगा पूरा घर हर किसी का है, हर किसी का हर चीज पे हक नजर रहेगा। तो ये केंद्रक इसका भी है, इसका भी है, तो बहु केंद्र की है, बहुत सारे लोगों का घर है वो। फिर उसके बाद ब्याह शादी होता है और घर के कमरों के बंटवारे होने लग जाते हैं, ये कमरा इसका, वो कमरा इसका, ये कमरा उसका। तो फिर घरों का बंटवारा शुरू होने आता, पट बटने लग जाते हैं और इंडिविजुअली बटने लग जाता है, तब वो घर एक कमरे में बदलने लग जाता है और उसे हम कहेंगे एक केंद्र की है। बस वही कहानी घर घर की यहां पर भी लागू होती है कि जब तक हम उसके पट के आधार पर बांटते नहीं हैं, सब कुछ सबका होता है और ये बहु केंद्र की होते हैं। जैसे ही हम उसे बांटना शुरू कर देते हैं तो सिर्फ लोगों का एक ही रह जाता है, उस रूम से मतलब रह जाता है, बाकियों से मतलब नहीं रह जाता है, और वो एक जो पट है वो एक केंद्र की हो गया। समझे बात को? ये है बात। अब सवाल आता है कि फंगस चार प्रकार के होते हैं, सबको पता है, फाइकोमाइसिटिस, ठीक है, हाँ वो रोम मोर हरे, वो दूसर के हरे, ऐसे वैसे करके, ये मेरे बड़े भाई के रूम, ये छोटे भाई के रूम, ये फलाना ढिमकाना, समझे, बस ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। लोग कहने लग जाते हैं कि बस ये रूम मेरा है, मेरे रूम पे जाओ। अरे तेरा कहाँ का रूम, कहाँ, तू खुद का वहां का नहीं है, किराए घर में रहोगे, तेरा रूम, तो वही वाला हिसाब हो जाता है। खैर, अब हमारे पास में चार प्रकार के फंगस हैं, कितने कितने लोग के पास अपटी होता है, कितने के पास पटी होता है। सो अगर एक बेसिक सा पार्ट बनाए तो हमारे पास चार हैं, ट्रिक बताया था ना मैंने, ठीक है, पीएफईडीबी मतलब जो होता था, इसमें से हमारे पास एक पार्ट आता था, इसका नाम था फाइकोमाइसिटिस। ये जो फाइकोमाइसिटिस था, ये बस जो है हमारा पी जो है वो उसके पास में अपटी में आएगा, उसके बाद हमारे पास में ए बी डी यानी एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस। एस्को, उसके बाद बेसिडियो, उसके बाद ड्यूटेरो,
ये सारे के सारे माइसिटीज जो हैं वो सारे के सारे आएंगे पटीय वाले पार्ट में। किस में आएंगे? पटीय। तो ये दूसरा पार्ट भी यहां पर डन। पट के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। सो जब पट के आधार पर पूछा जाएगा तो फाइकोमाइसिटीज जो होता है वो अपटीय रहेंगे और बाकी पट रहेंगे। जब शुरू में ये सब क्लियर हो जाएगा ना, तो आखिरी में जब मैं प्रकार पढ़ा रहूंगा तो आधी बात तो तुमको पहले ही पता रहेगी, आधी बात तो तुमको पहले ही पता रहेगा, आपको उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये पोर्शन आपसे पूछेगा फाइकोमाइसिटीज और दूसरा पोर्शन वहां पर आ जाएगा ये एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और हमारे पास ड्यूटेरोमाइसिस का ट्रिक ही वही है, पीएबीडी। ठीक, ये तो पट के बेसिस में हो गया। अब ये पट क्या करते हैं? अब जैसे ये एक पट बना ऐसा, ठीक है, और ये पट को मान लो हमने खंड खंड में ऐसे बांट भी दिया। अब ये खंड पट क्या करता है, कई बार यहां से ऐसी शाखाएं भी बना लेता है, यहां से ऐसी शाखाएं बना लेगा, शाखाएं बदलती रहती है इसके हिसाब से। अब ये जो शाखाएं बदलती रहती हैं, ये जो शाखाएं शाखाएं ऐसे दिखाई दे रहे हैं, अंततः हम इनको देखेंगे तो ये एक जाल के जैसा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? जाल। तो अब हमारे पास में कवक तंतु मिलकर बहुत सारे, एक कवक तंतु दो तीन चार पांच कवक तंतु मिल मिलकर जो है ना क्या बनाते हैं? कवक जाल बनाते हैं बेटा जी। और इस कवक जाल का नाम होता है माइसीलियम। क्या नाम होता है इसका? माइसीलियम। इसे हम माइसीलियम कह देते हैं। सो कवक तंतु मिल मिलकर अब क्या बन रहा है? कवक जाल बन रहा है। बताइए जवाब यहां पर। कवक तंतु मिल मिलकर, कवक तंतु मिल मिलकर कवक जाल बन रहा है। तो यह कहानी हो गई कवक जाल के ऊपर में, जाल कवक जाल के ऊपर में। तो अभी तक जितनी भी बात मैंने आपको बताई वो इनके सीधे सीधे बेसिक पार्ट पे था और उतनी बातों पे ही हमें मेन बात करनी थी। और उन बातों पे अगर हम बात कर लें तो हमारा एनसीईआरटी वाला पोर्शन जो है वो एकदम डन, उसके बाहर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया हमारा कवक जाल के ऊपर में कॉन्सेप्ट कि कवक जाल ऐसा होता है। कभी कभी ये जैसा अभी कवक जाल ऐसा बना हुआ है, कभी कभी जमीन पे बिखरा हुआ है तो ठीक है, कभी कभी ये तंतु जो है थोड़ा सा हवा की तरफ में भी आ जाता है। तो इसे हम, जब ये हवा की तरफ में आ जाता है ऐसा थोड़ा सा बड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, तो जब ये बड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा तो इसे हम कहते हैं बेटा जी फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, ठीक है, इसे अपन फ्रूटिंग बॉडी कह देंगे। ये कवक जाल है लेकिन अब इस बार फ्रूटिंग बॉडी है ये ऊपर की तरफ में, ठीक है। तो ये बात याद रखना, जनरली जो होता है वो नीचे रहता है पर कभी कभी ये ऊपर चला जाता है, तो इसे अपन कह देते हैं भाई फ्रूटिंग बॉडी। ये बॉडी याद रखना कि ये फलन काय कहते हैं इसे हिंदी में, फलन काय। सो समझ में आया आपको कवक जाल और फलन काय में डिफरेंस? जब कवक जाल हवा में जाने लग जाए, जब कवक जाल हवा में जाने लग जाए, हवा में ऊपर की तरफ उठने लग जाए, बड़ा होने लग जाए, तो हम उसे फलन काय कह देते हैं। ये बात सबसे बढ़िया निकल कर आती है, डिटेल में पूछा जाता है इसके बारे में। अब आपसे मान लो सेल के बारे में पूछे कि सेल स्ट्रक्चर कैसा है इसका। अब आपसे पूछता है कि मान लो सेल कैसा, क्या क्या पाया जाता है इनके पास में, कोशिकाएं कैसी होती हैं। सो कोशिकाओं के बारे में यह कहा जाता है कि कोशिकाओं के पास में हमेशा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट है बेटा जी एब्सेंट। इनके पास कभी भी क्लोरोप्लास्ट नामक पिगमेंट, मतलब जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है, नहीं रहेगा। पिगमेंट रहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है, कई बार क्वेश्चन है, पिगमेंट रहेंगे। जैसे मान लो कैरोटीनॉइड्स है, कभी लाल दिखाई दे रहा है, कभी कुछ और दिखाई दे रहा है, तो कैरोटीनॉइड्स है, कैरोटीनॉइड है इसके पास में, लेकिन क्लोरोफिल नहीं है। मतलब प्रकाश संश्लेषण बस नहीं कर सकता, बाकी रंग रोधन वगैरह वगैरह जो है वो नहीं होगा, बाकी सब कुछ इसके पास में प्रेजेंट है। कैरोटीनॉइड्स है, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कोशिका भित्ति कैसी होगी। एक लाइन सबको याद रहता है, आपको दो दो लाइन याद रखना है कि कोशिका भित्ति इनके पास में पाई जाती है, सेल्यूलोज एब्सेंट रहता है। इनके पास में एक पॉइंट आता है जिसको अपन कहते हैं कि यह बना हुआ रहता है काइटिन की, काइटिन की कोशिका, काइटिन और दूसरा वो वर्ड आप कह सकते हो पॉली सैकेराइड।
सो पॉलीसेकेराइड जो होता है और काइटिन की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है, यह इनका सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इनमें से कुछ जानवर हैं जो मान लो पूछ ही दिया तो पूछ देगा तो मजा आएगा यहां पर, कि जैसे मान लो लिखा हुआ है ओमाइसिटीज, ये एक एग्जांपल है ओमाइसिटीज, इसे अपन कहते हैं मतलब ओजेनेसिस वाले पोर्शन से आगे स्टार्ट होता है, मैं बताऊंगा बाद में। इनके पास बस सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति रहेगी, सेल्यूलोज की सेल वॉल पाई जाएगी। सो ये एक थोड़ा सा अपवाद सा है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, क्या पता पूछ ही दे इस साल, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। सेल स्ट्रक्चर पे देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, प्रकाश संश्लेषण कतई नहीं करेगा, पहला सवाल। दूसरा बात, पिगमेंट जो है कैरोटीनॉइड्स पाया जाएगा, हो सकता है रंग बिरंगा हो। कोशिका भित्ति काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की बनी हुई रहेगी, और ये अभी 2022 का क्वेश्चन है, ये काइटिन की बनी हुई कोशिका भित्ति है ये। और दूसरा पता जो होता है, ये ओमाइसिटीज जो होता है सेल्यूलोज की सेल वॉल किसमें पाया जाएगा, ओमाइसिटीज में, किसमें पाया जाएगा, ओमाइसिटीज में, सेल्यूलोज की सेल वॉल है, बाकी किसी में भी ये चीज पाई नहीं जाती है और बाकी किसी में भी ये चीज प्रेजेंट भी नहीं रहती और उन्हीं में बस ये प्रेजेंट रहती है। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई, क्लियर? ओके, अब टॉपिक आता है कि ठीक है भाई, सारे इंट्रो सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए, तो अब हम इनके थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लें कि जनन कैसा होता है इनका, थोड़ा सा इनके हम जनन के बारे में बात कर लेते हैं कि जनन कैसा होता है। तो जनन के हम इनके तीन प्रकार देखते हैं। पहला जनन हो जाता है काइक, ठीक। दूसरा हो जाता है काइक के बाद, जिसे अपन कहेंगे अलैगिक, और अलैगिक के बाद तीसरा हो जाता है हमारे पास में, जिसे हम कहेंगे लैगिक। अब किससे कहां और कैसे जनन होगा, बस आप इतना फोकस कर लीजिए, बाकी कहानी आपकी खत्म हो जाएगी। जब अपन कायिक जनन करते हैं तो इनमें से सबसे पहला पार्ट आता है फ्रेगमेंटेशन, यानी हम इसे कहते हैं खंडीभवन, खंडीकरण। खंडीकरण का मतलब होता है फ्रेगमेंटेशन, जहां जहां खंडन होगा, जितने टुकड़े निकलेंगे हर एक टुकड़ा नया फंगस बनाएगा, ये फंगस खंडीकरण कहलाता है। दूसरा वर्ड आता है जिसे अपन कहते हैं फिजन। फिजन का मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है विखंडन, एक कोशिका से दो कोशिका में बदल गई, ये फिजन भी कहलाएगा। और तीसरा ऑप्शन आता है जिसे अपन कहते हैं बेटा जी बडिंग। बडिंग यानी होता है मुकुलन। पहले लिख लो, बाद में डिटेल करेंगे, हेडिंग बस लिख लो बस। अभी आपसे यह पूछा जाएगा कि कायिक जनन किसके किसकी वजह से होता है, तो यह याद रखना, पहला खंडीकरण, दूसरा हो गया हमारा विखंडन, और तीसरा हो गया बडिंग। ये तीन प्रकार मेरे बच्चे, ये पॉइंट याद रखना, ये तीन प्रकार कायिक जनन में आएगा। अलैगिक जनन के दो प्रकार है, पहला एक हो जाएगा बीजाणु बनाएगा, इसे अपन कहेंगे स्पोर, बीजाणुधर बीजाणु ऐसा कुछ कहेंगे इसको, पहला ऑप्शन होगा। बीजाणु दो प्रकार के होते हैं, एक तो होगा चल बीजाणु, जिनके पास फ्लैजिला पाया जाएगा, और एक को हम कहेंगे अचल, और अचल का मतलब होता है अप्लैनोस्पोर, ये पहला नाम हो गया। और दूसरा नाम हो जाता है जूस्पोर, क्या बोलते हो, याद हुआ क्या? स्पोर याद कर लो मेरे बच्चे, जब आगे पढ़ाने में काम आएगा, बहुत कुछ काम आएगा। बीजाणु दो प्रकार के होते हैं, जिनके पास फ्लैजिला पाया जाता है, फ्लैजिला वाला बीजाणु चल बीजाणु कहलाएगा, और विदाउट फ्लैजिला वाला एप्लैनोस्पोर कहलाएगा। यह पहला प्रकार है अलैगिक जनन का। दूसरा प्रकार आता है बेटा जी कोनिडिया, और इसे अपन, जो बच्चा पढ़ रहा है उसे एकदम बड़ा बेहतरीन टाइप का समझ में आएगा और डिटेल भी हो जाएगा। कोनिडिया, ये जो बीजाणु स्पोर हैं, ये अंतर जातीय बनेंगे। अंतर जातीय का मतलब होता है शरीर के अंदर एंडोजीनियस बनेंगे ये लोग। एंडोजीनियस का मतलब मान लो ये संरचना है तो उसके अंदर पूरा बन रहा है, तो हम इसे कहेंगे कि अंतर जातीय। कोनिडिया जो होता है ये बाहर जातीय होता है, मतलब ये बाहर बनेगा, ये मान लेते हैं ऐसा डॉट 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 ऊपर की तरफ में कोनिडिया पाया जाएगा। तो अलैगिक जनन के दो प्रकार हैं, एक तो स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा और दूसरा हो गया कोनिडिया के द्वारा।
स्पोर के आधार पर दो प्रकार का जनन होगा, एक तो चल बीजाणु के द्वारा और एक अचल बीजाणु के द्वारा। अब हमारे पास में लैंगिक जनन के कौन कौन से बीजाणु, असल में ये याद रखना ये बीजाणुओं के द्वारा होने वाले जनन माने जाते हैं। अब ये बीजाणुओं के द्वारा जो जनन होते हैं वो क्या क्या तरीके से होते हैं, इनको हमको पता होना चाहिए तभी हम कहानी पढ़ेंगे। अगर बात लैंगिक जनन की है तो पक्की बात है जायगोट तो बनेगा ही बनेगा, बिना युग्मनज के कॉन्सेप्ट तो बनेगा नहीं। तो युग्मनज बनेगा तो ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला नाम हो जाएगा बेसिडियोस्पोर, जो बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाएगा। दूसरे का नाम है जायगोस्पोर और इसी का दूसरा नाम है ऊस्पोर, ये पाया जाएगा एस्कोमाइसिटीज में। तीसरे नंबर का पार्ट आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज वाले पार्ट में और उसमें पाया जाता है एक और वर्ड आ गया एस्कोस्पोर। ड्यूटेरोमाइसिटीज में कोई जनन नहीं पाया जाता, लैंगिक तो कतई नहीं, तो उसके पास कुछ नहीं पाया जाएगा। सो ये सारे स्पोर को याद रख लो, बेसिडियोस्पोर बेसिडियो बीजाणु, जायगोस्पोर ऊ बीजाणु, एस्कोस्पोर एस्को बीजाणु, और ये सारे बीजाणुओं के नाम याद कर लोगे तो पढ़ना आसान हो जाएगा। क्या बोलते हो, समझ में है यस और नो? जल्दी जल्दी बताओ मुझे, यहां तक की कहानी आप लोगों को क्लियर है हाँ या नहीं? पता चला यहां तक बात, यस और नो? फिर हम जब इनके प्रकार को पढ़ रहे होंगे तो इनको और डिटेल में लेकर जाएंगे और आगे बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। बोलिए क्या कहती है आज की जनता, थोड़ा कुछ पढ़ रहे हो? सब आपस में बात ही करे लगे हुए, लगे पड़े हैं सारे बच्चे। पढ़ना वढ़ना कुछ है ही नहीं, सब आपस में ही लगे हुए। क्लियर है, पढ़ रहे हो ना, लिख लिए, फ्लो चार्ट बना रहे हो ना? ये बहुत जरूरी बात है, बहुत मजा आता है ऐसी चीजों को पढ़ने में और बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर में। क्लियर, डेली क्लास होती है बेटा बंटी शाके, अपने दोस्तों को भी बताना वहां पर, ठीक है? डेली क्लास होती है 3 दिन 11th की और 3 दिन 12th की, डेली शार्प 6 o'clock 6 बजे मैं और तुम आपस में बातें करते हैं। मैं मिलने आता हूं बच्चों से 6 बजे, तो आप तैयार जरूर रहिएगा 6 बजे। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए दे सकते हैं? हाँ मिताली धुंदे जी, बिल्कुल दे सकते हो, ठीक है? आप चिंता बिल्कुल ना करो, आप नीट क्या मतलब बीएससी नर्सिंग क्या नीट वेट क्या हर एग्जाम निकाल सकते हो इसको पढ़ के, आप चिंता की बात नहीं है। जनता कह रही विद्रोह करेंगे सर, हर विद्रोह दबा दिया जाएगा, समझे? तो हमको जानते नहीं हो, अभी हर विद्रोह दबा देते हैं। जनता विद्रोह कर रही है यहाँ पे, यस सर कर रही है, तुम्हारा विद्रोह को हटा देंगे, अकेला विद्रोह करने वाला हमेशा फंस जाता है, समझे? ओके, तो ये कहानी हो गई हमारी, ठीक है? चलो हाँ, चैप्टर 6 को करेंगे, क्यों नहीं कर? अरे बेटा करेंगे, कार्तिक राम पटेल पूरा सिलेबस ही कंप्लीट किया जाएगा। वो तो तुम्हें अभी बेसिक पढ़ा रहा था इस वजह से रुक गया था, तो ये भी तो पढ़ा ही रहो ना मैं, तो अब सब चीजें पढ़ाएंगे धीरे धीरे, सब कुछ होगा डेली डेली कंटिन्यू, 6 भी होगा, पहले 3, 4, 5, अभी बहुत सारे बच्चे नए नए आए हुए हैं तो उनको जो है पता नहीं है कि यार थर्ड को कैसे पढ़े सेकेंड को कैसे पढ़े, तो थोड़ा थोड़ा रिविजन करा देंगे ना, तो भला हो जाएगा बेचारों का, बहुत देर से जागे ये लोग, तो इतनी कहानी बस पढ़ने का रहता है तो अच्छा समझ में आता है, बढ़िया मजा आता है पढ़ने में, ठीक है? तो इतनी कहानी को पढ़ो। इसके बाद ये प्रकार हो गया लैंगिक जनन का, ठीक है? ये लैंगिक जनन का प्रकार हो गया। फिर लैंगिक जनन के हमको स्टेप्स पढ़ने हैं और लैंगिक जनन के और भी बहुत सारी बातों को हमको बात करना है, ठीक है? सो आज थोड़ा सा ठीक ठाक सा लग नहीं रहा है, इतनी चीजें आज अपन पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर जो है इसके आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को धीरे धीरे ही। ज्यादा मैं मतलब थोड़ा एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा पता नहीं मौसम का थोड़ा सा मार है, जैसा भी है पिछले 1-2 हफ्तों से कुछ परेशानी सी चल रही है, पर खैर कोई बात नहीं। बहुत अच्छा पोर्शन आज हमने पढ़ा है, डिटेल किया है, उम्मीद है आपको ये फंगस वाला कॉन्सेप्ट बढ़िया समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? समझ में आ रही बात यहाँ पर? तो ये कहानी बस आज की हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है? समझ में आ गई बात बेटा? बेटा जियो के फोन पे दिखने लायक तो मैं लिख ही नहीं सकता, ठीक है? मैं भी नहीं दिख रहा हूँ तुमको जियो के फोन में, तो कैसे दिखाई देगा, ठीक है? चलो फिर आज की सभा यही समाप्त करते हैं बेटा जी, सेकेंड चैप्टर जो होता है वो कल से आओ, वहां पर 12th वाला टॉपिक कल पढ़ाएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है अच्छा लगा होगा क्लास के लिए आपको और बहुत अच्छी बातें होंगी आपको। आपको ये PDF अगर चाहिए हो तो टेलीग्राम का लिंक है आपके पास, जाइए और पढ़िए, उसमें जाकर देखिए कि टेलीग्राम में क्या क्या आपको मिल रहा है, डेली क्विज मिल रहे हैं वहां पर आपको, ठीक है? नाम है
योगेश सर बायोलॉजी जाके सर्च करेंगे तो आपको सारी चीजें वहां पर ऑलरेडी मिल जाने वाली है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम के लिंक पे टैप करो, फटाक से टेलीग्राम ओपन हो जाएगा और आप एक अद्भुत दुनिया में पहुंच जाएंगे जब आपके सवालों के जवाब दो और हमारे पीडीएफ भी वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो मिलते नेक्स्ट।